नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ में राजमहल संसदीय क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा की जीत पक्की करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के फतेहपुर फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया एवं आगामी 1 जून को तीर धनुष छाप पर बटन दबाकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की अपील की। हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने के साथ ही लोगों के सम्मान स्वाभिमान एवं संविधान को खत्म करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि मान सम्मान अधिकार के साथ संविधान बचाने का यही सही वक्त है और इसके लिए एकजुट होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में 1 जून को मतदान कर भारतीय जनता पार्टी को माकूल जवाब देना है। ये पेंशन हमको जब हेमंत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गठबंधन की सरकार हमारी जब चल रही थी, उन्होंने सर्वजन पेंशन की योजना चालू की। सर्वजन का मतलब ही है सर्व, मतलब सबका, जन मतलब जितने लोग, तो ये सबके लिए पेंशन है और इसका लाभ हमारे झारखंड वासियों को मिल रहा है। और आजकल सुनने में आता है कि बीजेपी के लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये पेंशन तो हम दे रहे हैं, लेकिन झारखंड में अगर पेंशन मिल रहा है आप लोगों को, तो वो आपको हेमंत सोरेन जी के द्वारा, यहाँ हमारी झारखंडी सरकार के द्वारा आप लोगों को ये पेंशन मिल रहा है। बीजेपी के लोगों ने हमारे झारखंडी लोगों का हरा राशन कार्ड, जिससे अनाज मिलता है लोगों को खाने के लिए, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया था, डिलीट कर दिया था। लेकिन अभी का बेटा हेमंत सोरेन ने हमारे झारखंड में हरा राशन कार्ड 20 लाख परिवारों को उससे जोड़ा है। और यही साथ साथ मैं आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारे बीजेपी वालों ने हमारे सरकारी स्कूल 7,500 सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया था जब वे लोग सरकार में थे। और आप ही के बेटा ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला। और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्यों खोला? वो इसलिए ताकि हमारा गरीब गुरबा बच्चा भी पढ़ लिख करके मजबूत हो सके, कल को वो भी एक बड़े पद पर जा सके, अच्छी नौकरी कर सके, कल को BDO SP यहाँ का, अगर उसको कुछ बड़ा काम करना है, अच्छा काम करना है, समाज के लिए काम करना है, तो वो अपने पढ़ाई लिखाई से जो उसको बुद्धि ज्ञान मिलता है उससे वो आगे बढ़ सके। लेकिन बीजेपी वालों की तो सोच हमेशा रही है, हम लोगों को वो लोग आदिवासी भी नहीं बोलते हैं, ये लोग हम लोगों को वनवासी बोलते हैं। आदिवासी शब्द से ही इन लोगों को, बीजेपी वालों को चिढ़ है, क्योंकि इनको लगता है कि ये लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई करने वाला बोका लोग हैं। इन लोगों को खुद समझ नहीं आता ये लोग अंगूठा छाप है। लेकिन आप ही के दादा ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इसलिए खोला ताकि किसी बच्चे का पढ़ाई रुक ना सके, कोई गरीब पढ़ाई के लिए पीछे छूटे नहीं, उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, स्कूली शिक्षा पूरी करनी है, छात्रवृत्ति मिलती है झारखंड में बच्चों को, वो भी योजना है हेमंत बाबू के द्वारा, हमारे इंडिया गठबंधन के, हमारे गठबंधन के सरकार ने यहाँ पे दिया है झारखंड में। उसके साथ साथ मरांग घूमके का योजना चल रहा है, मरांग घूमके ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना है। इस योजना में बच्चे चयनित होते हैं, वो जाकर के उनको विदेश में पढ़ने का मौका मिलता है और उसका एक भी रुपया आपको अपनी जेब से नहीं देना पड़ता है। वो सारा का सारा निधि, वो सारा का सारा पैसा आपको झारखंड सरकार के द्वारा पे मिलता है, ताकि यहाँ का हर एक बच्चा शिक्षित हो, महिलाएं हमारी आगे बढ़े। हमारी यहाँ पर में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चलती है। मैं आपको बताना चाहूंगी, मुख्यमंत्री सृजन योजना में आप लोगों को राशि मिलती है 25 लाख, और ताकि आप गाड़ी ले सके, अपना कुछ जो आपके अंदर में हुनर है, आप सलून खोल सके, DJ मशीन जो बाजा बजता है वो खरीद सके,
अपना छोटा मोटा धंधा आप लोग चालू कर सके, और इसके लिए राशि आपको झारखंड सरकार के द्वारा मिलती है। मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि जरूर आप लोग उसका लाभ जरूर लीजिएगा, क्योंकि उसमें इतने आवेदन आए कि 25 करोड़ से बढ़ करके वो 500 करोड़ की राशि हो गई है। हमारे युवाएं जितने हैं, हमारे जितने लोग झारखंडी हैं जो अपना छोटा मोटा उद्यम शुरू करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए काम किया गया है। आई वांट टू मैं चाहूंगी कि चुनाव में बीजेपी वाले आप लोगों के सामने में आएंगे, आप लोगों को बरगलाने के लिए आएंगे, बेवकूफ बनाने के लिए आएंगे, बोलेंगे कि अरे आप लोगों को वोट देना है तो आप लोग अपना बीजेपी में वोट दीजिए। लेकिन ये झारखंड है, ये झारखंड है किशन गुरु शिबू सोरेन जी का, ये झारखंड है तिलका बाबा का, ये झारखंड है सिद्धू कानू जी का, ये झारखंड है फूलो छानो का, ये झारखंड है चांद पैरों का। यहाँ हम दूसरों के साथ में मेल मिलाप करके अपना जमीर बेच करके अपना सर कभी नहीं झुकाएंगे, लड़ जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन हम अपना सर कभी नहीं झुकाएंगे। और अभी की लड़ाई, ये जो पूरे भारत में अभी चुनाव चल रहा है, आपको मैं बताना चाहूंगी, इस चुनाव में आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लोग आएंगे, लेकिन आदिवासी को एकजुट होना होगा। जिस तरीके से पहचानने का बाबा का मिलता है, जो झारखंड की संवेदार लगी ना संघर्ष रिया लड़ाई नित्तो हो जरूरी काम किया, क्योंकि आप तो पढ़ाई गए नो आप बोतर दे गए उन्हें तो पढ़ाई करता है नहीं। आई मन कमी, ये चुनाव में आप लोग बेवकूफ मत बनिएगा, अपना जमीर मत बेचिएगा। आपकी अगर आत्मा अगर कहीं है अटकी तो ये तीर धनुष है, ये तीर धनुष पहचान है सिद्धू कानू जी का, ये तीर धनुष पहचान है तिलका बाबा का, ये तीर धनुष पहचान है फूलो छानो का, ये तीर धनुष पहचान है हमारा चांद भैरव जी का, और ये तीर धनुष पहचान है हमारे झारखंड वासियों का, और इसको आप बचाना है। बीजेपी, आप लोगों को पता ही है मणिपुर में इतनी बड़ी घटना भी घटी, महिला के साथ कैसा दुष्कर्म हुआ, पूरा मणिपुर चलता रहा, लेकिन केंद्र सरकार ने एक भी बार मणिपुर जाने के लिए नहीं सोचा। आदिवासी के बारे में कोई सोचता नहीं है, गरीब गुरबा मजदूर पिछड़ा दलित के लिए कोई सोचता नहीं है। अगर सोचने के लिए कोई है तो हमारे इंडिया गठबंधन के सारे लोग हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव बीजेपी बनाओ हमारी त्रस्त जनता का हो रहा है, जहां ना नौकरियां हैं, जहां महंगाइयां इतनी ज्यादा है, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां पर में हम। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।